उसकी एक आंख नहीं होती और कोई बाल भी आगे से खींच के निकाल दिए होते। चाहे अलग में ना आ जाए, बहुत एक्साइटेड हूं। मैं कभी नीचे गिर रहा था, कभी मैं ऊपर सर उठा लेता था। रास्ता अभी बाकी है, नीचे से आवाजें आना शुरू हो गई हैं। ओके, पूरा चैन करते हैं, आज जीत गया। क्या हो गया? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू सीरीज। बाय द वे, आज से मैं चैनल पे नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ और इस सीरीज में क्या होगा, इसके पीछे का मकसद क्या है सीरीज को शुरू करने का, ये सब मैं आपको बता दूँ। मुझे समझ नहीं आया था कि मैं किस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊँ या कहाँ से कंटेंट लेकर आऊँ, तो मैंने कहा क्यों ना जो मैंने अपना चाइल्डहुड गुजारा है उसको थोड़ा यूज़ किया जाए और उससे रिलेटेड कोई कंटेंट बनाया जाए जिसकी वीडियोस भी बन सके। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक नई सीरीज, एक नया शो शुरू किया जाए। मैंने इसका नाम अभी वीकेंड वॉच रखा है, अभी कन्फर्म नहीं है कोई, लेकिन जब तक आप वीडियो देखेंगे तब तक कोई ना कोई नाम आ चुका होगा, तो उसका इतना टेंशन नहीं है। लेकिन मैं तो अभी इसको वीकेंड वॉच ही कहूँगा। एक तो आप मेरे चैनल पे देखते हैं फिल्मों के रिव्यूज़, जो कि बेसिकली पाकिस्तान फिल्मों के मैंने रिव्यूज़ किए हैं, लेकिन वो सारी डिटेल मैंने आपको बताई दी। आप उन रिव्यूज़ जो मैंने किए हैं फिल्मों के उसमें जाके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि मैं इंडियन और पाकिस्तानी मूवीज़ के रिव्यूज़ क्या करूँगा, क्योंकि मैं यही दोनों देखता हूँ। और पाकिस्तान के इसलिए क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तानी फिल्म ही मैं सिनेमा में देखता हूँ, और जो मैं सिनेमा में देखूँगा उन्हीं का रिव्यू करूँगा, क्योंकि वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी मेरे लिए। बाकी इंडिया की मूवीज़ मैंने ओवर द टाइम इतनी देखी नहीं, और जितनी देखी उनको रिव्यू करने का मेरा दिल नहीं है। तो अभी इस सीरीज़ में ये होगा कि मैं, ये सीरीज़ है इट्स ऑल अबाउट माय पर्सनल लिस्ट ऑफ फिल्म्स, वो फिल्में जो मैंने अपनी चाइल्डहुड में देखी हैं, जो फिल्में देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, जो फिल्में मेरे लिए बहुत ख़ास हैं, बहुत आइकॉनिक हैं, बहुत मेमोरेबल कह लें, और ऐसी फिल्में जो मैं बहुत दफ़ा देख चुका हूँ और जब भी देखता हूँ इन्जॉय करता हूँ, वो फिल्में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अपने चाइल्डहुड की। कभी कभी ऐसा भी होगा कि कोई नई फिल्म आई हो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, इंडिया के या किसी और भी हमारे उन पे कोई ऐसा शो या कोई ऐसी सीरीज़ या कोई ऐसी फिल्म आई हो जो मुझे अच्छी लगी हो, मैंने इन्जॉय की हो, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि अच्छा कॉन्टेंट ज़्यादा लोग देख सकें और उसको अप्रिशिएट कर सकें। तो इस सीरीज़ में ये होगा कि मैं अपनी चाइल्डहुड की फिल्में जो मैंने ज़्यादा देखी हैं, ज़्यादा इन्जॉय की हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, और कभी कभी कोई नई फिल्म जो आई हो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो आप लोगों से शेयर करूँगा। अभी इस सीरीज़ की पहले एपिसोड में आज मैं जिस फिल्म को लेकर आया हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, वो है एक इंडियन फिल्म कठपुतली। ओके, ये इंडियन मूवी है, ये 2 हफ्ते हो चुके हैं इसको, ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार इंडिया में रिलीज़ हुई थी, एंड ऑब्वियसली वो प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने कहीं और ऑनलाइन देखी, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ये फिल्म ओरिजिनली तमिल फिल्म आई थी एक 2018 में, उसका हिंदी रीमेक है। डायरेक्शन इसकी रंजीत तिवारी साहब ने की है और ये पूजा एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन। कठपुतली मूवी फिल्म की अगर मैं स्टार कास्ट की बात करूँ तो इस कास्ट में अक्षय कुमार, रघुप्रीत सिंह और चंद्रचूड़ सिंह शामिल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, लेकिन वो इतने मशहूर नहीं है, इतने नॉन एक्टर्स नहीं है, और कुछ एक्टर्स हैं जिन्होंने इंडियन पंजाबी मूवीज़ में बहुत अच्छे से वो काम कर रहे हैं, तो वो भी कुछ एक्ट्रेस इस फिल्म में हैं। फिल्म का ऑब्वियसली मैं स्पॉयलर्स तो नहीं दूंगा इस वीडियो में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये फिल्म देखें, और जिन्होंने देख ली है वो तो अच्छा ये वीडियो देख लें, लेकिन अगर जिन्होंने नहीं देखी और वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता। मैं बेसिकली एक बता देता हूँ कि प्लॉट क्या है और किस चीज़ के इर्द गिर्द कहानी घूमती है फिल्म की। फिल्म शुरू होती है तो हम देखते हैं कि इंडिया के एक शहर कसौली, ब्यूटीफुल सिटी, वहाँ पर एक डेड बॉडी पुलिस को मिलती है पूरी रैप हुई हुई, और उस डेड बॉडी के पास एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है, जिस गिफ्ट बॉक्स में एक गुड़िया का डॉल का कटा हुआ सर होता है, चेहरे पे डॉल के कटे हुए चेहरे पे स्क्रैचेस पड़े होते हैं, उसकी एक आंख नहीं होती और कुछ बाल भी आगे से खींच के निकाल दिए होते हैं, और ठीक यही ऐसा ही सब कुछ उस डेड बॉडी के चेहरे के साथ भी किया गया होता है, यानी कि जो डॉल के साथ होता है वो एक साइन होता है कि डेड बॉडी के साथ भी यही हुआ। यहाँ से हमें एक केस पता चलता है और एक कहानी शुरू होती है कसौली में, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। ऑन द अदर साइड हम देखते हैं एक और शहर है उत्तर प्रदेश का, शहर का नाम मैं भूल गया हूँ, जहाँ अक्षय कुमार का करेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, उनके करेक्टर का नाम है राजीव। वो एक राइटर हैं जो मिस्टीरियस मिस्ट्री थ्रिलर और सस्पेंस जॉनरा लिखते हैं, और उनके पास एक कहानी है जो 7 सालों से उनके पास पड़ी हुई है, लेकिन कोई उन्हें अप्रोच नहीं कर रहा फॉर अ फिल्म, और वो चाहते हैं कि स्क्रिप्ट को यूज़ करके फिल्म बनाई जाए। 2-3 रीजन्स जहाँ भी वो जाते हैं अपनी कहानी लेकर उनको मिलते हैं कि एक तो ये सीरियस नहीं बन सकती कहानी, इसको कॉमेडी करो, एक इसका एंड चेंज करो, एंड में जैसे उन्होंने कहा है कि विलेन मरेगा, विलेन पकड़ा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, विलेन पकड़ा नहीं जाएगा, तो वो राजीव जो है वो कहता है कि नहीं मेरे स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस नहीं होंगे और ये कॉमेडी नहीं है, सीरियस ही बनेगी। तो ये सारी बातों की वजह से 7 साल इंतज़ार करने के बाद भी उसकी कहानी कहीं से अप्रोच उसको नहीं मिलती। दूसरी तरफ
कसोली में उसकी बहन रहती है और उसके जीजा जी रहते हैं, जो उसे फोर्स करते हैं कि तू कसोली आ, हमारे साथ रहे और पुलिस ज्वाइन कर ले, क्योंकि उसके जीजा जी भी इवेंचुअली पुलिस में ही है। तो उनको कहते हैं कि अच्छी सी पोस्ट मिल जाएगी क्योंकि वो इंटेलिजेंट है राजीव, और चीज़ों को बहुत अच्छी तरह बहुत जल्दी पिक कर लेता है, और उसे इन सारी चीज़ों में बहुत नॉलेज है, सस्पेंस थ्रिलर और इस तरह के केसेस तो पुलिस के पास आते ही रहते हैं। और आगे चल के दिखाते हैं कि वो कसोली आ जाता है, पुलिस में टेस्ट देता है, ट्रेनिंग टेस्ट पास हो जाता है और वो इवेंचुअली पुलिस में आ जाता है, पहले जूनियर पोस्ट पे, फिर सीनियर, फिर आगे। लेकिन उसकी पुलिस में आते ही दो केसेस ऐसे जमा हो जाते हैं, एक उस शहर में जहाँ से अक्षय कुमार आया और एक कसोली में, दो सेम केसेस के। अब वो कह रहा है कि स्कूल कॉलेजेस के, कसोली और वो जो इलाका है वहाँ के स्कूल कॉलेजेस की टीन एज गर्ल्स गायब होती हैं, और दो दिन गायब होने के बाद उनकी डेड बॉडी आती है, और डेड बॉडी पुलिस के पास आती है, पुलिस डेड बॉडी तक नहीं पहुँचती, और उस डेड बॉडी के साथ, डेड बॉडी को रैप किया गया होता है, और डेड बॉडी के साथ एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है जिसमें एक गुड़िया का कटा हुआ सर, और जो सर के ऊपर स्क्रैचेस वगैरह होते हैं बिल्कुल वही उस डेड बॉडी के साथ भी हुआ होता है। तो यहाँ से कहानी एक ट्विस्ट आता है कहानी में, और अक्षय कुमार का करेक्टर किस तरह इस पुलिस में ज्वाइन होता है, ज्वाइन करता है पुलिस में, और इस केस में किस तरह आगे बढ़ता है। और अब पता चलता हूँ कि एक सीरियल किलर है जो कसोली में आ चुका है, और बेसिकली केस यही है कि एक सीरियल किलर है जो कि कसोली के टीन एज गर्ल्स को किडनैप करता है और दो दिन बाद उनको खून करके उनकी डेड बॉडीज घर वालों को और पुलिस में पहुँचाता है। अब आगे इस कहानी में किस तरह अक्षय कुमार का करेक्टर पुलिस की हेल्प करता है, पुलिस में आता है, वो सीरियल किलर को किस तरह ये लोग पकड़ते हैं, पकड़ पाते हैं, नहीं पकड़ पाते, वो सीरियल किलर कौन है, ये सब तो अब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता। तो ये ओवरऑल मैंने एक स्टोरी लाइन बता दी आपको। अब परफॉर्मेंसेज पे बात करूँ तो किसी ने भी फिल्म में ऐसी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस नहीं दी है, लेकिन मैं बात करूँ अक्षय कुमार साहब की, क्योंकि उनकी पिछली कुछ फिल्मों में उनकी एक्टिंग को क्रिटिसाइज़ किया गया है, लेकिन इस फिल्म में उनकी एक्टिंग ठीक ठाक है और उनका करेक्टर, उनकी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूम रही है पूरी फिल्म, तो उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है, आपको बोर नहीं होने देते, और उनका करेक्टर आपको उन उसकी जर्नी और फिल्म में जिस तरह की सिचुएशंस हो रही हैं जिसमें वो फंस रहा है, उनका करेक्टर एज अ पुलिस ऑफिसर राजीव, वो बिलीवेबल है और आपको थोड़ी बहुत बिलीव दिलाते भी हैं अपने करेक्टर के साथ। उसके अलावा रकुल प्रीत के के पास कुछ ऐसा कुछ करने का था नहीं, कोई भी कर सकता था, लेकिन उन्होंने ठीक ठाक किया। उनके जो उनके अक्षय कुमार साहब के साथ जो सीन्स हैं वो ठीक ठाक हैं, कोई ऐसी बेसिक कॉमेडी है और कोई नई टाइप की कॉमेडी नहीं है जो आपने पहले ना देखी हो, लेकिन ओवर रेटेड कॉमेडी नहीं है, तो इसलिए आप वो देख सकते हैं। और उसके अलावा सारे करेक्टर्स बहुत हैं, लेकिन किसी की भी ऐसी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस नहीं है या ऐसी परफॉर्मेंस नहीं जो मेमोरेबल रहे, तो मैं इनको ही एक्टिंग में कहूँगा कि इनकी बात ही कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा डायरेक्शन ठीक ठाक है फिल्म की, और कई जगह बहुत थोड़ी थोड़ी जगह हैं जहाँ डायरेक्शन थोड़ी वीक आपको लगती है, लेकिन ओवरऑल वो एंगेज लगती है आपको फिल्म के साथ। तो ये ओवरऑल मेरा एक छोटा सा रिव्यू था, छोटा तो पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन ये मेरा रिव्यू था एक फिल्म कठपुतली जो कि मैंने लेटेस्ट देखी है। अब इस फिल्म को मैंने कहाँ देखा, ये फिल्म वैसे तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई है, तो जो लोग इंडिया में हैं या जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं वो लोग तो इसको वहीं पर देखेंगे, लेकिन मैंने दो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ ये अच्छी क्वालिटी में मौजूद है, वॉच ऑनलाइन मूवीज़ गूगल पर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, और डेली मोशन, इन दो वेबसाइट्स पर अच्छी क्वालिटी के साथ फिल्म मौजूद है, तो आप लोग ज़रूर देखें इस वीकेंड पे। और इस वीकेंड पे अगर आप ये फिल्म देखें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँगे आपका क्या ओपिनियन है, और मैंने जो अपने हिसाब से बातें की हैं वो आप रिलेट कर सकते हैं, आप भी एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, लेकिन फिल्म देखने के बाद वैसे ही कमेंट्स करना, और कमेंट्स ज़रूर करना, क्योंकि इस सीरीज़ का यही है कि अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे, आप लोग मुझे अप्रिसिएशन दिखाएंगे, और आप लोग दिखाएंगे कि आपका इस सीरीज़ की तरफ इंटरेस्ट है, तो हो सकता है मैं इसके एपिसोड्स जल्दी जल्दी बनाऊँ और हफ्ते में दो बार भी बनाऊँ। तो अभी तो मेरा यही है कि सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा, बाकी आपका रिस्पॉन्स पे करता है डिपेंड के किस तरह का रिस्पॉन्स आता है इस वीडियो पे और इस सीरीज़ पे, लेट्स सी आगे सीरीज़ किस तरह कंटिन्यू करता हूँ। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में तो मैंने कठपुतली फिल्म का रिव्यू आप लोगों से शेयर किया, और ये फिल्म डेली मोशन, वॉच ऑन एंड मूवीज पर अवेलेबल है, और मैं ऐसी फिल्में लाया करूँगा जो आसानी से अवेलेबल हों अच्छी क्वालिटी में, तो चूँकि आप लोग भी देख सकें। और इस वीडियो में क्या बात कहनी थी, ये कि हाँ, नॉर्मल वीडियोस तो आती नहीं चैनल पे, लेकिन ये जो सीरीज़ है इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करूँगा आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के, लेकिन फिलहाल तो मैंने कंटिन्यू करना ही है। तो इस सीरीज़ के एपिसोड हर फ्राइडे को आए करेंगे, हर फ्राइडे मतलब नॉट एवरी फ्राइडे कि आज आप फ्राइडे को ये वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि अगले फ्राइडे को भी ये वीडियो आए, लेकिन क्योंकि मुझे भी कोई फिल्म ढूंढनी पड़ेगी जो मुझे भी अच्छी लगे, जो मैं उस पर थोड़े पॉइंट्स भी बनाऊँ कि मैंने बोलना क्या है और क्यों आप लोगों को रिकमेंड करनी है।
तो मैं अपनी रिकमेंडेशन सोच समझ के बनाऊंगा, और हर फ्राइडे को तो वीडियो नहीं आएगी, लेकिन इस सीरीज़ की जब भी कोई एपिसोड आएगी वो आएगी फ्राइडे को, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि मैं इस वीडियो में, इस सीरीज़ की एपिसोड में आपको कोई ना कोई फिल्म के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और उसको रिकमेंड करूँगा। तो मैं चाहूँगा कि आप उस वीकेंड पे, जैसे फ्राइडे को आप वीडियो देख रहे हैं तो सैटरडे संडे उस वीकेंड पे आप फिल्म जाके देखें और फिर मुझे बताएं अपना एक्सपीरियंस, अपना रिव्यू। तो इसलिए जब भी सीरीज़ की एपिसोड आएगी वो फ्राइडे को आएगी, वैसे नॉर्मल वीडियोज़ का सिलसिला जारी रहेगा चैनल पर। तो अभी के लिए इतने, देखते हैं ये नई सीरीज़ आप लोगों को कैसी लगती है, और इसका नाम वीकेंड वॉच ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन शायद कोई और हो, लेकिन अभी तो वीकेंड वॉच ही है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द, जैसे कि मैंने कहा कि नॉर्मल वीडियोज़ का सिलसिला जारी रहेगा और इस सीरीज़ को भी आगे बढ़ाऊँगा, बाकी आप लोगों के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको मेरी बातें ठीक ठाक लगी हैं, समझ आई हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, जो भी दिमाग में आए बस कमेंट करें, कमेंट ज़रूरी है, अच्छा बुरा बकवास जो भी है बस कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ चैनल्स के चैनल पे सब्सक्राइबर्स रुक गए, क्यों ऐसा क्या हो गया, मेरी शक्ल पसंद नहीं है आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप लोगों से मिलेंगे बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।